अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ब्रॉडव्यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज मैं आपको कनेडियन विंटर्स दिखाऊंगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पिक्चर हमारे घर के पास जो पार्क है ये उसकी, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है, और नॉर्मली बच्चे इस स्नो में खेलना पसंद भी करते हैं। ये देख लें, ये इस पर कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन मुझे 10 मिनट लग गए थे उसको साफ़ करने में और कार को स्टार्ट करके उसको वार्म अप करने में। अगर पिछले वाली कम थी तो ये वाली देख लें आप, ये तो बहुत ज़्यादा मेरी गाड़ी पर पड़ी हुई है, और मुझे याद है कि ये मिड अप्रैल में थी। ये आपको देखने में स्नो लग रही होगी, बट ये एक्चुअली स्नो नहीं होती, इसको फ्रीजिंग रेन कहते हैं। ये ऐसी रेन होती है जो पड़ते ही फ्रीज हो जाती है, और ये जो दरख्तों की स्टेम्स होती हैं ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह लगने लग जाती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है, और नॉर्मली लोग विंटर में भी अपनी कार्स को बाहर ही पार्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ जाती है, और ये जो होम ओनर्स होते हैं ये स्नो उनके लिए तो नाइटमेयर की तरह ही होती है, क्योंकि उनको सारी ये स्नो शवल करनी पड़ती है। और आगे आप वीडियो में देखेंगे कि एक लेडी अपने घर के बाहर से स्नो को क्लियर भी कर रही है, क्योंकि अगर कोई स्लिप हो गया तो शू जो है वो होम ओनर को ही होगा, तो वो ट्रबल में पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है। अगेन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है, और इसको क्लियर करके साइड पे कर देते हैं, और ये तब तक पड़ी रहती है जब तक ये मेल्ट ना हो। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर स्नो नहीं है, इसको ब्लैक आइस बोलते हैं। जब स्नो पड़ती है और वो मेल्ट होती है, जब वो दोबारा फ्रीज होती है तो वो ब्लैक आइस होती है, और वो बहुत डेंजरस होती है क्योंकि उस पर ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक शॉर्ट वीडियो है मेरे अपार्टमेंट की बैल्कनी से जब स्नो पड़ रही है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।